यहाँ पर नाली, सीवर, रोडे, पानी, हर चीज़ की समस्या है जो सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ना निगम, ना नगर निगम के अधिकारी सुनते हैं। आए दिन बच्चे नाली में गिरते हैं, कीचड़ से लथपथ। अब जाके काम चालू हुआ, वो भी ढंग से हो नहीं रहा है, क्योंकि जो चुनाई कर रहे हैं उसमें ना कोई दम है ना कुछ है। वो अगर एक कोई लात भी मारेगा तो वो छितर बितर हो जाएगा। हाँ, आप देख ही रहे हैं, मंगली गली से आप देखते ही हुए आए हैं, जिसमें कि सारी गंदगी भरी हुई है, सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है, ना पानी है ना सीवर है, यहाँ तक कि बिजली की लाइन भी खराब है, जो तार गिरे हुए हैं, बच्चे अगर चिपक जाए तो उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। आगे भी सारी गंदगी आप देख ही रहे हैं, इससे ज़्यादा गंदगी अगर अगर कहीं दिखे तो बताइए, पूरे बंगला बाजार यही ठहरा हुआ है हमारा। इस वक्त हम खड़े हैं बंगला बाजार के मंगली मोहल्ले में, जहाँ पर ना ही सड़कें बनी हैं, ना नालियाँ हैं, और जगह जगह कूड़ा लगा हुआ है। जबकि ये मोहल्ला नगर निगम से, नगर निगम कार्यालय व LDA कॉलोनी से महज 700-800 मीटर की दूरी पर है, तब भी यहाँ पर 40 साल से कोई भी विकास नहीं हुआ है। लोग तमाम बार नगर निगम में गए, मंत्रियों के पास गए, लोगों ने गुहार लगाई, लेकिन यहाँ पर इनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कूड़ा पूरा अंबार लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी गाड़ी कभी नगर निगम की कूड़ा उठाने नहीं आती है। ऋषिकांत त्रिवेदी, ETV भारत, लखनऊ।